आज हम बनाएंगे एलोपिना डिप, और उसके लिए मैंने लहसुन लिया है, चार टमाटर लिए हैं, ये 30 से 40 पीस जो हैं लहसुन के हैं, चार टमाटर हैं, हरी मिर्च है और ये हरा प्याज है, तो इसके मैं दो पीस कर लेती हूँ। और हम इसको रोस्ट करेंगे गैस में, फ्राइंग पैन में। ये ऑलिव ऑयल है, इसको मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ, सब में डाल देंगे थोड़ा थोड़ा और हाथ से मिला लेंगे। इसमें सब में ऑयल लगा दिया है और अब हम रखेंगे फ्राइंग पैन इसको रोस्ट करने के लिए। सारी चीज़ें एक साथ डाल दे रही हूँ, ऑयल हमने इसमें लगा ही रखा है, और इसको 10 से 12 मिनट जो है रोस्ट करेंगे, और मीडियम आंच रखूँगी। ये सारी चीज़ें हमारी रोस्ट हो गई हैं, और अब मैं करती हूँ गैस को बंद और इसको रखूँगी ठंडा होने के लिए, उसके बाद हम इसको पीसेंगे। ये सारी चीज़ें ठंडी हो गई हैं और हम इसको पीसेंगे। इसके लिए मैंने जार लिया है, जार में मैंने धनिया डाल दिया है, ये 200 ग्राम धनिया है, और इसमें हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे, जितनी अभी आएंगी हल्के हल्के करके डालेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें नहीं आएंगी इसमें। और इसमें डालूंगी एक चम्मच जीरा पाउडर, ऑरिगेनो डालूंगी इसमें 1.5 चम्मच, नमक डालूंगी इसमें 2 चम्मच, बाकी स्वाद अनुसार। और इसमें डालूंगी ये 4 नींबू का रस निकाला मैंने, ये इसमें डाल देते हैं और इसको पीस लेंगे। एलोपिनो डिप हमारी बनके तैयार हो गई है, और इसको हम सर्व करेंगे आलू के साथ। एलोपिनो डिप की रेसिपी तैयार हो गई है, और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।